अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन के तरफ से पहले दिन से आज आप सबको मैं आज के इस छोटा सा ब्लड डोनेशन जो ट्रैक रखा है उसमें मैं स्वागत करता हूँ। एडमा जो है ये एक ऐसा एसोसिएशन है जो 2012 को बनाया गया था। ये 29 जुलाई 2012 को बनाया गया था। इट वॉज फाउंडेड बाय और ले तारो चातुंग सर जो पूर्व हमारे जो पूर्व प्रेसिडेंट है। इससे पहले तो वो एबीसी के मेंबर्स भी रह चुके, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी रह चुके हैं, अपूच के मेंबर्स भी रह चुके हैं, लेकिन 2012 को उनको लगा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आगे बढ़ने के लिए, डिजिटल मीडिया को आगे बढ़ने के लिए उनको सरकार की तरफ से पॉलिसी बनना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले आगे बढ़ सके। तो उस मकसद से एडमा को बनाया गया था ताकि जितने हमारे जो मेहनत कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेंबर्स वो आगे बढ़ सके। Program organized and especially the blood donation drive because my father was also very much into social service and it's been 5 years still I miss him and still doesn't feel like anything has ever happened. आप सभी का धन्यवाद इधर आने के लिए और इस जगह पर आने के लिए। थैंक यू। अगर हम विश्वास करें या ना करें उनका आत्मा जरूर आपका साथ इधर है और उनका प्रेजेंस में आप लोग आज दिन भर जो ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम भी आप लोग करेंगे और पूरा उम्मीद और विश्वास के साथ कहूंगा कि आपका ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप उनका आज का डेथ एनिवर्सरी में जो कर रहा है ये बहुत ही नोबल है और ह्यूमन को बहुत ह्यूमन सर्विस है जो एक सही जगह में भी कर रहा है। हमारा स्वामी जी विवेकानंद कहते थे सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड जो आप लोग कर रहे हैं और जो यहाँ ब्लड डोनेशन देने के लिए जो बुलेट क्लब या कोई भी इंसान आया है आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी बहुत ही महान काम आज का दिन में कर रहा है और जो इस ब्लड को लेके उनका जीवन में काम आएगा उनका तो आशीर्वाद आप लोग को होगा और इस महान आत्मा जो जिसका नाम पे आज ब्लड डोनेशन दे रहा है उनका भी आपको आशीर्वाद मिलेंगे। ले तारो चातुंग का जो अच्छा काम किया है समाज में उस चीज़ को लेके हम हमारा जो ब्लड आज जो दे रहा है उनका कर्म का जो ब्लड है वो इस समाज के लिए जब यू प्रोसेस ब्लड जब आपका ब्लड लिया जाता है और उसे फिर पेशेंट को ट्रांसफ्यूज किया जाता है उसमें इतना सारा लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल होता है। यू नो हाउ मच इट कॉस्ट 4 to 5 thousand ऐसे कॉस्ट होता है एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज रन बाय गवर्नमेंट वहां हम फ्री करते हैं। आरकेएम में जहां पे आपको 4 to 5 thousand पे करना पड़ेगा 500 इज चार्ज इज नॉट द प्राइस ऑफ ब्लड इट्स प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ द टेक्निकलिटीज। तो आप इस बात को भी काइंडली आप शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। ब्लड इज इन नो वे सोल्ड इन अरुणाचल प्रदेश। इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द ओनली स्टेट वेयर ब्लड इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट इन मेडिकल सेंटर्स। बहुत सारे स्टेट्स में आई रिसेंटली केम फ्रॉम जयपुर फ्रॉम अ ब्लड कॉन्क्लेव। कोई कोई स्टेट में ब्लड आर सोल्ड इवन फॉर 10 to 20 thousand रुपीज। तो जब यहाँ पे आपको ब्लड फ्री मिलता है तो काइंडली एटलीस्ट अप्रिशिएट द पीपल हु कम फॉरवर्ड फॉर ब्लड डोनेशन। अप्रिशिएट द ब्लड सेंटर्स और ब्लड सेंटर्स के जो स्टाफ है अनलाइक एनी अदर मेडिकल स्टाफ दे वर्क 24/7 दे डोंट हैव लीव। सो ये जान हर इंसान का जीवन में बहुत एक ऐसे पल होता है और बहुत ही कीमती होता है और बहुत ही दिल को खुश करने वाला होता है। तो आज इस प्रोग्राम में आप लोगों ने हमें एज ए चीफ गेस्ट बुलाया लेकिन उससे बड़ा हमारा खुशी का दिन इसलिए मैं मानता हूँ कि तारो चातुंग जी मेरा एक जिगरी यार था और हम लोग काफ़ी समय तक एक साथ वो लेकिन अपना कैमरा को नहीं छोड़ता है तो उसको लेके वो जाता था। अभी भी मेरा दिमाग में उनका पिक्चर जो है बार बार घूमता है और किस किस प्रकार से ये मीडिया को लेके खास करके वो अपना समय को समाज के लिए पूरा त्याग कर दिया था।
उनका साथी लोग उस समय बहुत लोग प्रमोशन के बराबर ऑफिसर भी बन गया था, जो कि आज अब पता है एपीसीएस में नौकरी मिलना कितना बड़ा बात था उस समय में। तो उन्होंने सेक्रीफाइस किया और इस प्रोफेशन को लेके, तो उनका जो सेक्रीफाइस है उसको आप लोग आज याद करके आप लोगों ने ये उनका डेथ एनिवर्सरी को आप लोग मना रहा है, और मना रहा है मतलब ये ब्लड डोनेशन को आप लोगों ने चुना है, बहुत ही नोबल वर्क है। और आज हम लोग शरीर से हम लोग बहुत कुछ काम करता है, लेकिन हम लोग आत्मा से काम नहीं करता है, जिसका कारण से कोई कोई लोग अपना इस प्रोफेशन को लेके भी मायूस रहता है। हम भी आप लोग का मीडिया में कभी कभी देखता है इसका चैलेंजेस को लेके। अभी तो समाज तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही दिक्कत वाला स्टेज में आया है, और उस स्टेज में आप लोग भी ये प्रोफेशन को लेके काम कर रहा है। तो आपसे मेरा उम्मीद है कि आप समाज के लिए जैसे तारो चातुंग ने अपना सेक्रीफाइस किया, अपना बहुत ही स्ट्रगल किया, ऐसे नहीं है वो आप लोग का सामने में है, समाज का सामने में है, इतना स्ट्रगल करके अपना प्रोफेशन को नहीं छोड़ा। तो लास्ट मोमेंट तक आपने देखा होगा कि जैसे हेलीपैड से जाता है ट्रीटमेंट के लिए, उस समय में भी वो अपना बात कही थी, उसे भी पता चलता है, जब एडमिट था तभी भी पता चलता है उनका बातों से कि वो बहुत ही दिलदार इंसान था, और उनका आत्मा आप लोग का साथ रहे, आप लोग का एक ताकत बन के, एक इंस्पिरेशन बन के आप लोगों का काम करे। आज फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी में जो ब्लड डोनेशन ड्राइव जो ऑर्गेनाइज किया ना, उसके लिए हम बहुत ग्रेटफुल है, क्योंकि मेरा पिताजी भी एक बहुत सोशल सर्विस है सब में बिलीव करता था, और उसको बहुत ये सब चीज़ में खुद भी ऐसे नया नया चीज़ ट्राई करने मन होता था, इसलिए हम बहुत ऐसे अच्छा लगे कि सबको एडमा टीम ये सब कि बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है और पापा का फुट स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए थैंक यू एवरीवन। अरुणाचल प्रदेश का एक बहुत ही एक पत्रकार जो लेट तारो चातुंग का जो है आज फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी को एडमा अरुणाचल इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया एसोसिएशन जो है आरके मिशन में ब्लड डोनेशन करते हुए मना रहा है, और मैं बहुत खुश हूं कि इस सुंदर कार्यक्रम में ले तारो चातुंग को जो है ट्रिब्यूट करते हुए, उसको श्रद्धांजलि देते हुए मुझे यहां पर कार्यक्रम में शामिल होने का जो अवसर मिला है, मैं एडमा के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को बहुत तहे दिल से थैंक यू धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने हमें याद किया, और इस हमारे जो लेजेंडरी जो एक न्यूज जो रिपोर्टर हम बोल सकते हैं, या फिर हमारा जो है सबसे इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया को अरुणाचल प्रदेश में आगे ले जाने वाले जो हमारे जो फाउंडर जो है एक ले तारो चातुंग का जो है फिफ्थ डेट एनिवर्सरी में आने का मुझे मौका मिला, और मैं तमाम अरुणाचल के लोगों के साथ साथ और उनके परिवार को भी इस मौके पर जो है ईश्वर सोचने समझने का क्षमता दे, ऐसे में उम्मीद करता हूँ। और साथ साथ हमारे जितना जो मीडिया फैटर्निटी है आज के दिन में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, हमेशा तारो चातुंग जिले तारो चातुंग जी को हम लोग याद करेंगे, और जब भी हर साल जो है जब भी इनका जो है डेट एनिवर्सरी जब मनाया जाएगा, हम भी कोशिश करेंगे कि तारो चातुंग जी को याद करते हुए, और हमारे जो है आज के डेट में जितने भी जो उभरता हुआ जो रिपोर्टर है जर्नलिस्ट है वो भी तारो चातुंग के नक्शा कदम पर चलेंगे, ऐसे में उम्मीद करते हुए एडमा को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आपने बहुत खूबसूरत कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें 30 यूनिट से भी अधिक ब्लड जो है आज मतलब एक जो जरूरत लोगों को जो है मिलेगा, ये बहुत खुशी की बात है, और ऐसे कार्यक्रम एडमा करते रहेंगे इसी उम्मीद के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर यू नो इनवाइटिंग अरुणाचल प्रदेश यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हियर एट एडमास प्रोग्राम। टुडे ऑन दिस डे वी डू ऑब्जर्व द डेथ एनिवर्सरी ऑफ आवर पायनियर जर्नलिस्ट हु पास अवे वे बैक इन 2019 ऑन दिस डे। सो टू पे मे रेस्पेक्ट वी ऑब्जर्व हिज fifth dead anniversary, and I'm thankful to Arunachal Electronic and Digital Media Association who have also observed on this day here at RK Mission by you know to mark this occasion by you know organizing a blood donation camp. Just to let you know, you know, at Press Club we do observe also Arunachal
प्रेस क्लब एंड अरुणाचल प्रदेश यूनियन वर्किंग जर्नलिस्ट वी जस्ट हैव ऑब्जर्व एंड कंक्लूडेड अवर प्रोग्राम एंड सिंस वी हैव बीन इनवाइटेड हियर दैट्स व्हाई वी केम हियर टू अवर पे रेस्पेक्ट हियर टू थैंक यू। तो आज अरुणाचल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल मीडिया एसोसिएशन की तरफ से हमने हमारे जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट एंड सीनियर जर्नलिस्ट ले तारो चातुन जी के फिफ्थ डेट को हमने ऑब्जर्व किया और उनको वो आज के दिन को कमेमोरेट करने के लिए हमने वॉलंटरी ब्लड डोनेशन हमने डिराइव आज आर्किमिशन हॉस्पिटल में हमने किया जहाँ पे हम आउट ऑफ लाइक यू नो एक्सपेक्ट जितना किया था उससे ज़्यादा लोग आए हैं एंड वी आर रियली ग्रेटफुल कि जो डीसी तालपोतम जी जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स सिटी से वो एज अ चीफ गेस्ट आए थे आर्किमिशन हॉस्पिटल के जो अथॉरिटी जो स्वामी जी वो आए थे एंड इवन जो ITPP के जो पर्सन है वो आए उन्होंने सिर्फ आए नहीं उन्होंने ब्लड डोनेट भी किया साथ ही साथ जो NSS टीम है DNGC के वो आए थे इवन अरुणाचल बुलेट क्लब की टीम आए थे और साथ ही मैं बताना चाहूँगी ये तो खुद आए थे लेकिन कई लोग जो हमारे पोस्ट को देखकर वॉलंटरली आए थे जो आई गेस कहीं ना कहीं जो हमारा जो एक सोच था जो सर को डेडिकेट करने के लिए उनको ट्रिब्यूट देने के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ जहाँ पे वॉलंटरी लोग आए और काफ़ी लोगों ने ब्लड दिया एंड आई ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर टीम ऑफ आत्मा वी आर रियली ग्रेटफुल एंड थैंक यू सो मच आप सब आए और हम चाहेंगे कि जिस तरीके से आप तारो चातुन सर को सपोर्ट करते थे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया हाउसेस को सपोर्ट करते थे उसी तरीके से जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल मीडिया हाउसेस रन करते हैं जर्नलिस्ट है रिपोर्टर्स है उन्हें सपोर्ट करें और इसी तरीके से मिलकर काम करें। तो मेरा नाम संजय नाथ है मैं अरुणाचल बुलेट क्लब जो कि हमारे स्टेट का एक प्रीमियर मोटरसाइकिल क्लब है वहाँ का वाइस चीफ हूँ और एज ए स्पोक्स पर्सन भी मैं अपना ड्यूटी करता हूँ। तो आज ये AEDMA का जो फाउंडर मेंबर हमारा लेट तारो चातुन सर का फिफ्थ डेथ एनिवर्सरी है जहाँ पे वॉलंटियर ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ पे सेटअप किया है आर्किमिशन में तो हम लोग को इन्वाइट किया था तो इसके लिए हम लोग बहुत ही शुक्रगुजार है। और अपार्ट फ्रॉम डेट ब्लड डोनेशन हम लोग चैरिटी ड्राइव भी करते हैं फ्लड विक्टिम्स के लिए रिसेंटली भी जो फ्लड विक्टिम्स हुआ था उनके लिए भी किया और फायर विक्टिम्स के लिए जो होता है एज ए NGO हिसाब से हम लोग रेगुलर बेसिस में करते रहते हैं और आगे आने वाले दिनों में भी अगर आप लोगों के थ्रू से जो भी हमारा ऑडियंस लोग देखेगा अगर कुछ भी ऐसा हैपनिंग्स होता है नहीं होना चाहिए लेकिन होता है बोलने से हमारा अरुणाचल बुलेट क्लब जो हमारा स्टेट का हर डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है मेम्बर्स लोग है वहाँ पर हम लोग ऑब्वियसली हम लोग आगे बढ़ के आप लोग को असिस्ट करने के लिए आएगा। थैंक यू।